बच्चे फूलों की कलियों के मानिंद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी कभी इन कलियों को खिलने से पहले ही कुचल दिया जाता है। कभी बच्चे कम सिनी में मजदूरी करते नजर आते हैं, कुछ जुल्म सहते, कुछ भीख मांगते और कुछ दूसरों की हवस का शिकार होते भी नजर आते हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं और हालात का शिकार होते हैं। कभी कभार मुश्किल हालात के बावजूद इन बच्चों के वालिदैन अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं और तालीम जैसी बुनियादी जरूरत को भी पूरा करवाते हैं, लेकिन अफसोस कि कभी कभार गरीब शख्स हालात का ऐसे शिकार होता है कि कहीं का नहीं रहता। एक ऐसा ही हालात का शिकार खानदान आज हमारे साथ है। क्या बीती उन पर, आइए दिखाते हैं। माशरे में जैसे जैसे बेरारवी बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल दहलाने वाले वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस जितने हाईलाइट हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा रोनुमा भी हो रहे हैं। जितने मुलजमान पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद लोगों में गैरत नहीं आ रही और वैसी हरकतें दोबारा रिपीट हो रही हैं। एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया कराची के एक पसमानदा इलाके में पेश आया। दूर दराज का इलाका है, गोट है, यहाँ पे गरीब लोग आबाद हैं, मजदूरियों पे जाते हैं, बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। और एक बच्ची जो जिसकी उम्र सिर्फ 6 से 7 साल है, वो इतनी गुर्बत के बावजूद भी स्कूल जाती है पढ़ने लिखने, ताकि वो मुल्क के मुस्तकबिल में अपना हाथ बटा सके। लेकिन उसके साथ उसके ही टीचर ने, उसके ही उस्ताद ने ज्यादती की। क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ, अल्लाह दीनी इतनी मासूम बच्ची उसको इस हाल पे उसके उस्ताद ने क्यों पहुंचा दिया, ये सारी मालूमात उसके माँ बाप से लेंगे, उसके ख़ानदान वालों से। अल्लाह दीनी की अम्मी है हमारे साथ। मुझे बताएं कब से बच्ची स्कूल जा रही है? कल से। स्कूल कब से जाती थी? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से स्कूल जा रही है। अच्छा, तो रोज़ाना स्कूल जाती थी और वापस आती थी? हाँ। कितने बजे जाती थी? 8 बजे जाती थी, 12 बजे छुट्टी थी। अभी आपके और कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। कितने स्कूल जाते हैं? 3 बच्चे थे, एक मेरा भतीजा, 2 मेरे बच्चे। एक भतीजा, 2 आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इनमें से कौन सा बच्चा था जो इसके साथ स्कूल में था? वो बड़ा है। बड़ा बेटा है। अच्छा, दोनों स्कूल जाते हैं। हाँ। तो पिछले 2 साल में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि बच्ची ने बताया कि कोई तंग करता है, कुछ है? कभी नहीं। तो ये कब क्या हुआ, कैसे हुआ, बच्ची के साथ क्या हुआ? बस पता नहीं कैसे हुआ, हमारे को आके बेटे ने बताया, मैं जाके स्कूल में देखा था, इसकी ये हालत पड़ी। क्या टीचर और नहीं थे फिर जो प्रिंसिपल होता है, उसने नहीं आपको बताया? हेडमास्टर नहीं, टीचर भी थे। टीचर जो छुट्टी के टाइम से हाफ टाइम के तो सारे चले जाते हैं। हाफ टाइम पे चले जाते? हाँ, चले जाते। छुट्टी तक नहीं रहते? नहीं होते। हाँ। जाके नाश्ता करके फिर वापस आते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये भी बच्चे तो निकली थी, वरी उसने टीचर ने इसको पकड़ा, हाथ में पकड़ के बोलती, अल्लाह नहीं तू खड़िया, तेरे को मैं किताब दे रही हूँ, किताब दे रही हूँ, किताब के लिए। फिर इसको पकड़ के ये बोलती, सारे बच्चे निकल गए। फिर इसको दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाजे को कुंडी लगा दिया क्लासरूम में। हाँ, क्लास में। फिर इसने हाथ बांधा, तो तू मेरा अब्बू है, तू मेरा चाचा है, तू मेरा मामू है, मेरे को दरवाज़ा बंद नहीं कर, तू मेरे को दरवाज़ा खोल। मेरे मौला मेरे मौला तुमसे फरियाद करते हैं, तुमसे की माँ गम से निढाल है, रिक्कत आमेज मंजर है। माँ की हालत नहीं संभल पाई, तड़पती रही कि आखिर क्यों ना बचा पाई वो अपनी बच्ची की मासूमियत।
माँ के दिल को तसल्ली नहीं हुई क्योंकि मुजरिम को सजा ही नहीं हुई और ना इस माँ को किसी ने तसल्ली दी। जी माँ की कि उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ, उसकी हालत खराब हो गई। इसके बावजूद भी वो पुलिस वाले सपोर्ट करेंगे कि अभी ये एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, अभी उल्टा हमारे ऊपर इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करा ली। किस चीज की? ये से कि आप इनके थे, क्यों इसके? तुम आप लोगों के हमने एक्शन क्यों उठाया इसके बारे में? क्यों तो बेटा मेरा उठाया है? क्यों आप क्या लगती है बच्ची की? कुछ भी नहीं। कौन? बस अगर आप पड़ोसी हम आपस में बस। अच्छा आप लोग एफआईआर कटवाने गए थे? अच्छा कटवाने गए इस वजह से आपके बेटों को उठा लिया पुलिस ने? दो बेटे इसके उठा लिए, सबके नाम है इसके, पूरे 250 कैसे नाम मालूम दिए, देखो ये आप लिखे हैं 250, देखो ये 250 नाम मालूम दिए पूरे मोहल्ले के लोगों के खिलाफ। मुकदमा उस उस्ताद ने दर्ज कराया? नहीं नहीं नहीं, उसी पुलिस वालों ने अपने तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इल्जाम क्या लगाया? इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने तोड़फोड़ की है, ये वो किया थाने में आके तो गिरफ्तार है किया है ये हम नहीं मानते। चलो किसी ने किया, जज्बाती में आके कुछ भी किया है, ठीक है, इसकी ये तो माने नहीं है कि आप सबको उठा के ले जाए एफआईआर करा लो उसके खिलाफ, लोगों के खिलाफ। अच्छा तो आप लोग कब गए थे? हालत देखो कैसी बच्ची की हालत है। आप लोग कब गए थे थाने? ये हम गए थे मेरे ख्याल से रात, कल रात मगरब के टाइम आप लोग गए हो तो, और हाथ के हाथ उन्होंने एफआईआर काट दी आप लोगों के खिलाफ। एफआईआर काट दी और बंदे भी उठा लिए रात में 3 बजे, घरों से दीवारों से छलांग लगा के बच्चों के साथ बेइज्जती की है। और पुलिस वाले घुसे हैं आप लोगों के घरों में? पुलिस वाले घरों में घुसे हैं, बच्चों को धक्के मके दिए और उनको घर से उठा के ले गए। बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ, एक तो ये मसला हो गया। बच्ची को हॉस्पिटल लेके गया था कोई? हाँ ले गए थे, फौरी तौर पे लेके गए थे? नहीं वो तकरीबन उसके वाके के बाद ले गए, पहले थाने गए, बाईपास दर्ज कराई, फिर गए वहाँ। मेडिकल रिपोर्ट कुछ दी? हाँ वो है, उसमें ज्यादा ही प्रूफ है, वो हो गई तस्दीक। और वो उस्ताद कहाँ है? वो उस्ताद थाने में। थाने में तो उसे फौरी तौर पे कैसे गिरफ्तार किया था, कैसे पता चला था कि ये बच्ची के साथ कर रहा है? तो ये जब हाफ टाइम हुआ तो ये बच्ची को घर पे लेके आए, वहाँ पता चल गया, छोटे भाई को पता चला तो इसने बोला ये बच्ची के साथ हुआ है। घर आया उसने बताया कि वहाँ से इसे बेहोशी की हालत में घर में लाए, खून में लथपथ थे। उस वक्त आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसके साथ क्या हुआ है? तो क्या नहीं हुआ ये नहीं हुआ, फिर इससे पूछा जब होश में आई तो बताया इसने मेरे साथ ये किया। पहले उसकी कुछ शिकायतें आई है मगर किसी ने वो एक्शन नहीं ली, कुछ हो ही ऐसी ऐसे वाकया तो हुए हैं लेकिन लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ हुआ है तो इग्नोर कर दो, मतलब शिकायत दर्ज नहीं कराते। ज़्यादा जो ना इसको नहीं लिया तो किसी ने शिकायत नहीं कराई तो इससे बढ़ गई। पहले ये आदि मुजरम हो चुका है, तो पहले भी ये जेल जा चुका है? नहीं पहले किया नहीं किया, ये तीसरा वाक्य है उसी स्कूल के बच्चों के साथ। स्कूल के वाक्य? हाँ तो उसके खानदान वाले दूसरे कुछ भी नहीं बोला, उसको छुपा दिया है, कोई बात हाँ कोई बोलता ही नहीं, इसी इलाके के लोग हैं वो भी। हाँ ये इसी इलाके के। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि स्कूल की इंतजामिया होती है, प्रिंसिपल होते हैं, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ? नहीं जेल में उसने अभी लॉकअप में उसने कबूल किया कि मैंने ज्यादती की है या क्या कह रहा है? वो पहले यहाँ इसने कबूल किया जब लॉकअप में नहीं था। लॉकअप में नहीं था तो कबूल किया। आप लोगों ने खुद पकड़ के दिया उसे? नहीं वो मास्टर ने पकड़ा, टीचर्स ने पकड़ा, भाग के गया अच्छा मलिक 15 से जाके उसको पकड़ा, टीचर्स ने जाके खुद पकड़ा। थाने वाले पुलिस वाले कुछ भी हमारे लिए नहीं करते, सारे अपने लिए। आप लोगों की एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हुई है। कितनी देर में दर्ज की थी? दर्ज तकरीबन उसी टाइम कर दी थी। और तो नहीं करवाया कि नहीं पहले जाओ मेडिकल करवाओ ये करो? एफआईआर तो दर्ज कर दी मगर अभी जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, नींद से उठा गए, मेरे घर भी दिखा दिया है पुलिस के साथ भी बदतमीजी। हाँ, मेरे घर भी सुबह उठे मतलब मेरे बेटी को दिखा दिया है, मेरे 3 बहू उसका भी दिखा दिया है, मेरे का भी दिखा दिया है, लेडीज के साथ बदतमीजी। बोला मेरा बेटा नहीं उठाओ, मेरे का उठाओ, मेरा छोटा बेटा है, और बोला मेरा बड़ा भाई छोड़ो मेरे का उठाओ, चल चुप करो, उसका भी धिका दिया है, उसका भी मारा। आप लोगों ने ऐसा क्या किया था पुलिस स्टेशन में, क्या ऐसा नुकसान हो गया जो वो लोग इतने वो हो गए? कुछ नहीं, कुछ देखने आए थे बस, तो जज्बात में थोड़ा आ गए अंदर, बस हल्की फुल्की तोड़ फोड़ ऐसे ज्यादा नहीं की, जज्बाती थे सब, इतने लोग थे, सब पूरा मोहल्ला था हमारा, पूरा बड़ा कबीला था, तो फिर
ज्यादा दरवाजा तोड़ा होगा, दरवाजों में से मारने लगे। उसके बाद ये वो उसके बाद एक मोबाइल आ गई, मोबाइल को भी थोड़ा पथराव किया, ये बस ये किया था बस। उसके बाद दूसरे बंदे हमारे आ गए, हम भी थे उस दिन, सबको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करो, फिर उसी डर वापसी चले गए थे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ। आप लोगों का मुतालबा ये था कि वो जो बंदा है उसको हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। ये वैसे भी हम ये नहीं कह रहे थे हमारे हवाले कर दो, वैसे केस से चलता रहेगा, मसला नहीं। कुछ बंदे हमारे आए थे, वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कौन है, हमारे दिखाओ, उसकी सूरत दिखाओ, है कौन, बस इसलिए हमारे लोग वहाँ पर गए। आपके इलाके के जो बड़े थे, वैसे हमारी कोई शिकायत नहीं थी पुलिस वालों से भी कोई भी, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, मुलजिम भी पकड़ा गया था, थाने पे था। सिर्फ ये हमारे कुछ लोग आ गए थे, वो चाह रहे थे हमें दिखाओ। अच्छा, वैसे ऐसे वाकयात में ये होता है ना कि लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं, मतलब टाल देते हैं कि छोड़ो अब वाकया हो गया, कौन कोर्ट कचहरी करे। आप लोगों को किसने मशवरा दिया था कि एफआईआर दर्ज कराओ, नहीं ये पुलिस को पास जाना चाहिए? ये तो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज कराओ, इंसाफ मिलेगा, ये आइंदा के लिए अब जो हुआ है वो ये नहीं कर पाएगा, रोजाना होता रहेगा, अभी इसके साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ होगा, सरेआम चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। नहीं, दिल बर्दाश्त नहीं होना, बच्ची का मुस्तकबिल है, ये बड़े होके जितना अभी पढ़ रही है पढ़ लिख के आगे बढ़ेगी, कुछ बन जाएगी। हाँ, कुछ बनना चाहती हूँ, बड़े होके क्या बनोगी? मिस बनोगी? मिस उस्तानी? डॉक्टर बनना है? मिस बनना है? बच्चों को पढ़ाओगी? जो हाँ, मेरा बड़ा बेटा है ना, वो नहीं जाएगी, इसको इतना गुस्सा करके चप्पल उठा के मार के, फिर मेरा जो भतीजा है इसको जोर से लेके जाएगी, चलो चलो पढ़ने के लिए, एक दिन भी छुट्टी नहीं करो। तुम रोजाना स्कूल जाती थी? हाँ। आपकी दोस्त है? शायद हाँ। उस दिन नहीं थी वो आपके साथ? नहीं थी, उससे छुट्टी की थी। मैं अंदर गया, मुश्ताक से पूछा, भाई मैं आपका हेडमास्टर हूँ, मुझे मेरे इसको सारी बात बताओ, मैं आपका जो नहीं फिर जो नहीं कुछ ना कुछ दफा कर सकूँगा। तो बड़ी मुश्किल से जो नहीं हमने बोला, देखो जो बात है हकीकत बताओ, तो वो कभी हाँ बोलता था, कभी ना बोलता था। 6-7 साल की बच्ची थी, वो मासूम, झूठ नहीं बोल सकती ऐसे पढ़ाई में, माँ उसकी बिलख रही है, तड़प रही है। तुम तो यहाँ लॉकअप में बड़े आराम से हो ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, उस थाने से भी निकाल के तुम्हें यहाँ ले आए हैं, तुम्हारी औलाद अभी बैठी हुई है, अल्लादीनी के स्कूल में आ गए हैं। गडाप टाउन का ये सरकारी स्कूल है जो कि तकरीबन 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ सब तालीम हासिल करते हैं, ले फीमेल टीचर्स भी हैं शायद यहाँ पे और मेल्स भी हैं। तो हेडमास्टर जो हैं इस स्कूल के, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या है आपका? गुलाम मोहम्मद। आप कब से यहाँ पे हैं हेडमास्टर? मेरे को 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए जी। हाँ, मुश्किल। इससे पहले इस स्कूल में इस तरह के वाकयात रोनुमा हुए? पहले होते होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, मैं स्कूल में यहाँ पे नायब मास्टर, मगर ऐसा कोई वाकया मेरे नज़र में नहीं आया। अच्छा, तो और टीचर्स वगैरह कौन है यहाँ पे? और यहाँ के मकामी हैं सब। हाँ, तो ये टीचर्स हैं, आप टीचर हैं। अच्छा, तो आपका, आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे जॉब? मैं आया हूँ यहाँ 1993 में, यानी इतने पुराने। जी। और मुश्ताक कब से था यहाँ पे? मुश्ताक को तकरीबन 13 साल हो गए हैं, और मुश्ताक के साथ अख्तर हुसैन समूह, ये साइड वाला क्लास है, पहली क्लास है ये। हाँ, ये भी पहली क्लास है, ये दोनों टीचर जो है आके इकट्ठे बैठे, ये 7:45 ये भी आ गया, और ये दोनों इधर बैठे हुए थे, और मैं देख रहा था इनको, क्लास भी नज़र में ये बैठे रहते हैं, उनको भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और 10:30 के टाइम पे लड़की का जो है वालिद साहब आया, तो वो गुस्से में था, शुरियात में थी, बोला मुश्ताक इधर है, तो मैंने कहा भाई मुश्ताक से क्या काम है? बोला मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। तो हमने बोला आप बैठे हैं, उसे मैंने बड़ी मुश्किल से छुरी ली, ऑफिस में छुरी जमा कराई, तो फिर उसको बिठाया, भाई आप ठंडे हो जाओ, मसला नहीं है। बोलता नहीं, फिर ये बातें चलती रही, सुपरवाइज़र ऑफिसर बैठे, फिर हमने एडीओ ऑफिस को जो है फ़ोन किया, एडीओ ऑफिस, एडीओ साहब आ गए और उन्होंने इंक्वायरी बिठाई। अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ है? हाँ, मेरा ऑफिस वो सामने, ये सामने, और यहाँ ज्यादती हुई है। हाँ। आप लोगों को पता नहीं लगा? नहीं, कुछ हम लोगों को कोई नजर ही नहीं आया, कोई बिल्कुल ये सामने बैठा, उसके साइड में जो टीचर बैठा। हाँ, स्कूल में थे बिल्कुल, स्कूल में कैसे हम लोग नहीं थे?
यही तो हम लोग हैरान है जो नहीं कहे भाई ये बात जो हो रही है हम तो आज तक इस बात पे हैरान है। ये हमें पता नहीं है किस टाइम टाइम की जो है ना वो कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी जो होती है ना वो हेडमास्टर की होती है कि वो निजाम संभाले। अगर आपके स्कूल में एक बच्चे के साथ भी ज्यादती होती है तो इसका सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल 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 यकीनन बिल्कुल। अगर हमारे जो नजर में कोई चीज है नहीं मैं देख रहा हूँ अच्छा मैं चारों तरफ मेरी नजर है मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। मुझे ये बताएं जब उसका बाप तो आया अल्लादीन का बाप आया आपके पास शिकायत लेके तो आपने मुश्ताक से पूछा कि मुश्ताक से बिल्कुल मैंने मैं अंदर गया मुश्ताक से पूछा भाई मैं आपका हेडमास्टर हूँ मुझे मेरे इसको सारी बात बताओ मैं आपका जो नहीं फिर जो नहीं कुछ ना कुछ दफा कर सकूँगा। बड़ी मुश्किल से जो नहीं हमने बोला देखो जो बात है हकीकत बताओ तो वो कभी हाँ बोलता था कभी ना बोलता था कभी हाँ किया है क्या बोला है? हाँ में क्या बोला है उसने साईं का मकसद ये क्या था उस टाइम उसने हाँ किया था उसको जो बंदा था उसने बोला वहाँ पे थाने में जो बात हुई थी उसने बोला कि उसने हाँ इकरार किया है अब्दुल गनी बिरोई के नाम उसने मैं बंदा वहाँ पे छोड़ के आया हूँ उसने हाँ किए। अच्छा लफ्ज बताएं लफ्ज क्या थे जिस तरह आपने पूछा उससे कि ये तुमने ज्यादती की है तो उसने लफ्ज क्या इस्तेमाल किए थे? भाई मुझे पहले तो इनकार करता रहा बोला मैंने कुछ नहीं किया है। हमने बोला आखिर तुमने कुछ ना कुछ तो किया है चलो ज्यादती तुमने नहीं की है मानते हैं मगर तुमने जरूर कोई लड़की के साथ कोई हरकत की है तभी जाकर माँ को बाप को शिकायत की। हाँ, फिर क्या बोला? बोलते है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैंने हमने बोला भाई आखिर जो ये स्कूल है स्कूल शायद उसको ये सिर्फ दिलासा दिया है तो हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो ऐसे मैं आपको हो सकता है मैं आपका दिफा करूं। तो मुश्ताक खुद उठ के नहीं गया उसी बच्ची के बाप के पास? मैं खुद क्या वो उसको मारता था वो जाता था वो तो बच्चा बाप उसका जज्बात में था। तो मुश्ताक पहले से तैयार था कि मैं आराम से बैठा रहा हूं अंदर बच जाऊं कि कहीं उसके बच्ची के खानदान वाले ना आ जाए। टीचरों ने छुपा दिया ना कि भाई क्यों कही वो आ रहे थे उसको बोले कत्ल कर दें। फिर यहाँ पे बच्चा स्कूल के इससे बाहर निकल रहा है उसके साथ ज्यादती हुई है किसी को कुछ पता ही नहीं है कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी ले सके। आप तो जिम्मेदार है कौन लेगा जिम्मेदारी? मैं बात बताऊँ जब एक चीज हमारे नजरों में आई नहीं है किसी ने अपने आंखों से देखी नहीं चलो हमको तो छोड़े आप समझे कि आप अपने टीचर का बदला है। मैं आपको बताऊं सामने एडीओ ऑफिस का अमला बैठा हुआ था आप कसम देके उनको पूछा। लेकिन बच्ची का ताल्लुक आप लोगों से है ना कोई कह रहा है 7 बजे हुआ है कोई कह रहा है रिसेस में हुआ है क्या पता सुबह हुआ हो बच्ची बेहोश पड़ी हुई हो किसी को पता नहीं लगा। बेहोश नहीं थी बिल्कुल ये आपने तो रिसेस में देखी ना आपने तो सुबह देखी ही नहीं कोई बताया कि बच्ची बेहोश खड़ी हुई बेहोश में आ गई होगी भाई वो आ गई होगी ना वो बेहोश थी नहीं तो बेहोश में कैसे आई आपको कैसे पता कि वो हमारे क्या बता रहे तो देखा जब देखा मैंने मैं जब घर में गया होश में देखा जब घर में घर गया तो बच्ची तो होश में खड़ी हुई हो गई थी ना लेकिन उस वक्त क्या पता बेहोश हो गई उससे पहले वो तो अल्लाह को मालूम है। पता ही नहीं वो बेहोश पड़ी हम लोगों ने हम लोग क्या मेरे पूरे अमले ने किसी ने बच्चे ने जो बच्चे खेले थे कोई एक तो गवाह आंखों देखा मुझे दिखाएं कि भाई उसने देखा ये बेहोश पड़ी हुई थी तो फिर हम लोग जुर्मदार हैं इसमें। बाप आया उसका वो आया तो उसने बोला 7 बजे मेरी बच्ची इधर आई है अच्छा हाजिरी कौन लेता है उसकी क्लास में बच्ची की? बच्ची का वही टीचर लेता है एक ही क्लास टीचर होता है हर क्लास में हमारे साथ मजामिन साथी मजामिन एक ही टीचर पढ़ा। आप लोगों को उसी वक्त क्लास में बात सुने हेड मास्टर साहब बात तो सुने बिल्कुल। अरे मास्टर साहब मुझे बताएं जब ये वाकया हुआ स्कूल के बच्चे तो थे ना क्लास में बच्चे क्लास में आपने सबको रोक के उनका बयान क्यों नहीं लिया? मैं जब बच्ची के पास गया उधर बयान लिया बच्ची का नहीं अभी आप कह रहे हैं ना कि कोई गवाह नहीं था आपने पूरे स्कूल को रोक के क्लास तो रिसेस के टाइम पर बच्चा क्लास में क्या करेगा? रिसेस के बाद नहीं आते बच्चे? रिसेस के बाद आए थे बच्चे फिर आपने क्या किया? मुजरिम को उसने बच्चा या लाकब किया बच्ची का पता नहीं है भगाया किसने लाकब करके भगाया किसने भगाया भी नहीं ये बयान है की उसको भाग गया था मलीर 15 से उसको पकड़ा गया किसने चोर दरवाजे से भगाया? कोई चोर दरवाजे से नहीं भगाया मैं आपको बताऊं जब ये चीज इधर हो रहा था देखो एक चीज है एक स्कूल के अंदर मैं देखा नुक्से अमन हो जाएगा तो मैं तो अपने ऑफिस में था फिर ये जो है यहाँ से किसी टीचर ने इसको यहाँ से अब इसके मामू के हवाले किया। देखो खुदा की बात है ये खुदा गवाह है भगाने में मैं अगर हो तो मेरे को अल्लाह गर्क कर दे ये सब भाई किया पोजीशन ये है कि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की है गुलाबी। अच्छा आपका क्या रेफरेंस है? मैं सोशल वर्कर हूँ मैं यहाँ का लोकल बंदा हूँ
मैंने जब इनकी FIR हमने कलेक्ट कराई वहाँ से हम लोग वापस हुए, मैंने एक नायब कासिद से एक चौकीदार से इन्वेस्टिगेशन किया। चौकीदार ने मुझे बताया था कि ये सवेरे स्कूल में आता था, वहाँ से चंदा लेके फिर स्कूल में आता था सवेरे। हमने चौकीदारों के बकौल कि हमने इसको मना किया कि आप टाइम से पहले क्यों आते हो, आप हमें छोड़ो, हम सफाई करें फिर अपना। यानी ऐसे मौके पे जब स्कूल में रश नहीं होता, कम बच्चे होते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है कि हो सकता है ये सुबह सवेरे में ये बच्ची भी आती है, उसका भाई भी आता है, उस चौकीदार के बकौल के सबसे सवेरे बच्चे ये आते हैं। हाँ, उस बच्ची ने बताया अलादीनी ने कि मुझे पढ़ने का इतना शौक था कि मैं रोज़ाना आती थी स्कूल, और मैं चाहती थी कि मैं रोज़ाना आऊँ, मैं अपने कजन्स को भी साथ लेके आती थी कि मुझे आना और जल्दी आ जाती होगी। मे भी हो सकता है कि ये सुबह सवेरे हो, लेकिन अभी वही है। बाबा चाबी निकाल दे, मैं लगा लगा के चेक कर दूंगी, आप बस निकाल के दे दीजिए वो, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ जाता है जगह अगर हम देख लें कि क्या पॉसिबिलिटी रही होगी। इतना बड़ा क्लासरूम है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, कुंडियां टूटी हुई हैं, दरवाजे ऐसे नहीं है कि लॉक किए जा सके, तो फिर ये वाकया कैसे हुआ? जिस रूम में कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है, चलिए कमरा है, आप देखें इसको खिड़कियां तक नहीं है, अगर इधर से कोई आ भी आए तो नजर आएगा ना। बेंचेस बिछे हुए हैं, हाँ, ये जगह पे बताया। अच्छा, बच्ची ने ये आके आप लोगों को दिखाई है जगह? बच्ची ने नहीं दिखाई है, बच्ची ने घर में बयान दिया है, घर में बताया है। अच्छा, जब आप लोगों ने देखा मुश्ताक कहाँ बैठा हुआ था? मुश्ताक जो है यहाँ पे बैठा हुआ, ये इसकी सीट है, मुश्ताक की सीट है इसकी। और कितने बच्चे होते हैं क्लास में? ये तकरीबन घना 12 हुआ से 29 29 29। और ये 26 तारीख का ही वाकया है? 26। ठीक है, ये देखें, ये है वो क्लासरूम जिसका अलादीनी बता रही है, और देखें लिखा हुआ है सिंधी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लिखा है नबूवत ऐलान, यानी हजूर सल्लम नबूवत का ऐलान करना रहा है, पान सगोरा अल्लाह साईं जा आखिरी नबी आए, हजूर सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ये तमाम इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ लिखी हैं, इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के आगे एक बच्ची के साथ ज्यादती होती है। 26 तारीख की आखिरी तारीख लिखी हुई है, 29 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, उसके बावजूद जो है मुश्ताक नहीं लिखा है, ज़ाहिर है उसकी क्लास है, लेकिन हरकत जो है उसकी इससे बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। आप देखें जगह कितनी खुली है, बच्ची को बाकायदा धमकी दी गई है कि तुम अपने माँ बाप को नहीं बताना। बच्ची पे जब जोर दिया है उसकी माँ ने, कॉन्फिडेंस में उसको लिया है, तब बच्ची ने एडमिट किया है कि हाँ उसके साथ उस्ताद ने ज्यादती की है। और ये भी इंकशाफात हुए, इसी इलाके की और भी मजीद बच्चियाँ हैं इसी स्कूल की जो कि इसकी हवस का निशाना बनी है, लेकिन चूँकि वाकयात रिपोर्ट नहीं हुए हैं इस वजह से मुश्ताक जो था वो और दलेर हो गया, और उसने ऐसे मजीद वाकयात किए और रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो फंस चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके खिलाफ अब जरूर कार्रवाई होगी, और अब ये पुराने अपने जो केसेस हैं वो भी रिवील करेगा कि मैंने सिर्फ इस अलादीनी के साथ नहीं बल्कि और भी बच्चियों की इज्जतों के साथ खेला है। क्योंकि ऐसा इलाका है जहाँ पे इतनी मुश्किलों से बच्चियाँ तालीम हासिल करने आती हैं, तो वहाँ पे इस तरह के वाकयात रोनुमा हो जाए, वो सामने आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी का जिम्मेदार वहाँ का प्रिंसिपल होता है, लेकिन इस सरकारी नाम निहाद स्कूल का जिम्मेदार हेडमास्टर सारे हालात को संभालने की कोशिश में था, और इतनी बड़ी बात कह गया कि स्कूल में किसी शख्स ने ये वाकया अपनी आंखों के आगे होते नहीं देखा, और ना ही किसी ने कोई चीख सुनी। इसलिए हम अपनी स्कूल की तलबा के बजाय उस्ताद का ही साथ देंगे। यानी अगर स्कूल टाइमिंग्स में रिसेस हो तो बच्चे अपनी ही क्लास में महफूज नहीं? इस सरकारी स्कूल की इंतजामिया की कारगर्दगी पर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, अभी क्यों लॉकअप के पीछे क्यों? ये इल्ज़ाम दायर हुआ है कि आपने एक निंगरी से ज्यादती की है। हैं? सांस नहीं आ रही? सांस आ रही है, मुस्कुराहट भी आ रही है। क्यों नहीं आ रही है सांस? मैंने काम ऐसा किया है वो सांस आ जाएगा। क्या काम किया है? बच्चे के साथ ज्यादती की है।
मेमनगोड़ थाने में हम आ गए हैं। अल्लादीनी का जो केस है वो यहीं पे है और मुश्ताक जो मुल्ज़िम था उसे यहाँ लॉकअप में होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता चला है कि वो यहाँ लॉकअप में नहीं है क्योंकि अल्लादीनी के रिश्तेदार हाइपर हो गए थे, मुश्तैल हो गए थे, वो पुलिस स्टेशन आए थे और थोड़ी गड़बड़ हुई थी। तो इस खदशे के पेश नज़र कि मुश्ताक को नुकसान ना हो, उसे दूसरे लॉकअप में शिफ्ट कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेम्बर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और तफसीलात देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? राजा शेबाज मेरा नाम है, इन्वेस्टिगेशन अफसर हूं। अच्छा अच्छा, राजा साहब मुझे ये बताइए कि ये जो मुश्ताक नामी जो मुलजिम है, इसने अपने बयान में क्या कहा है, कबूला है? इसने बाकायदा एक्सेप्ट किया है, इसको एसएसपी साहब के पास भी पेश किया था, बाद में कोर्ट में पेश किया, इसका मेडिकल हुआ है और उम्मीद है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, क्योंकि असल डॉक्टरों के जब तक केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम आत्मी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अभी पॉसिबिलिटी है मुश्ताक से बात करने की? नहीं, उसको फिलहाल यहाँ थाने पे हमला हुआ था तो उसको हमने किसी और जगह दूसरे थाने में रखा। तो हम उधर जा सकते हैं? नहीं, अभी आपको बताया नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह। लेकिन अब तो उसकी जज के सामने तो पेशी हो चुकी है। जी जी, वो आप ऐसा कीजिए ना, अगर उससे अगर आप मिलना चाहती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान के बाद ये साबित हुआ कि मुलजिम ने इकरारे जुर्म कर लिया, तो हमने सोचा कि क्यों ना कैमरे पर मुलजिम का बयान लिया जाए। लेकिन बयान तो एक घंटा तवील हो गया, क्यों? आइए दिखाते हैं। अच्छा मुश्ताक, अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद, वालिद का नाम है हाजी जावेद। अच्छा, अभी क्यों लॉकअप के पीछे क्यों? ये इल्ज़ाम दायर हुआ है कि आपने एक निंगरी से ज़्यादती की है। मैंने कोई ज़्यादती नहीं की, मैं कोई ऐसा काम नहीं किया। कुरान लेने के लिए मैं तैयार हूँ, खुदा का कसम भी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं ऐसा काम नहीं किया है। तो तुम्हारे पीछे सिर्फ बच्ची का बाप क्यों चोरी लेकर आया, बाकी लोग नहीं आए? बच्ची के बाप से तुम्हारा क्या ताल्लुक, वो तो दिहाड़ी पे जाता है, मजदूरी करता है। पता नहीं, बच्ची झूठ बोल रही है। और भी लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने इल्जाम लगाया कि तुमने और बच्चियों के साथ ये हरकतें की हैं, और उन्होंने किसी ने बोला नहीं है? नहीं नहीं, केस सामने नहीं आया है? नहीं नहीं, मुझे गलत है, मैं इन्हीं के साथ भी नहीं किया। तुम पे कोई इल्जाम लगा देता और सारे जमाने में बताता है कि हाँ मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कौन ऐसा बेवकूफ होगा? तुम करोगे किसी के साथ दुश्मनी इस तरीके से? हो सकता है वो दुश्मनी कर ले। क्यों कर ले? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी यहाँ पे? तो फिर क्यों करेगा कोई तुमसे दुश्मनी? झूठ क्यों बोल रहे हो? बहुत चालाक हो भाई, बहुत चालाक हो। ये 7 साल की बच्ची थी, वो मासूम, झूठ नहीं बोल सकती ऐसे पढ़ाई में। जो उसको किसी ने बोला कि झूठ बोलो और वो बोलने बैठ जाए, उसकी हालत नहीं है खड़े होने की। कोई झूठ झूठ नहीं बनाता ऐसी हालत है। माँ उसकी बिलख रही है, तड़प रही है। तुम तो यहाँ लॉकअप में बड़े आराम से हो ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। उस थाने से भी निकाल के तुम्हें यहाँ ले आए हैं, तो तुम्हारी औलाद अभी बैठी हुई है। वो ताना खासा उनके साथ ऐसा, और फिर क्या करोगे? रिमांड में फौरी तौर पे इसने पहले दिन ही कबूल कर लिया कि हाँ मुझसे ज्यादती हुई, क्योंकि रिमांड में ये होता है ना कि बहुत तरीक़ों से इनसे सवालात जवाबात लिए जाते हैं, तो इसने सोचा कि इन तमाम सवालात और जवाबात से बचूं तो मैं कबूल कर लेता हूँ। लेकिन जज के सामने इसने नहीं कबूला और ना ही कुछ बोला, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये कहा है कि जज के सामने इसने कबूला है कि इसने ज़्यादती की है। लेकिन आप इसकी सफाई चेक करें कि अभी भी नदामत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है, मीडिया को देखकर भी बड़ा कोई कॉन्फिडेंटली ये हमें रिफ्यूज़ करके चला गया कि बस मेरा इतना बयान था, मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। तो अभी अदालत के ऊपर है सब कुछ कि किस तरीके से, और मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी कि किस तरीके से जो है इस चीज़ को प्रूफ किया जाए कि हाँ यही बंदा है जिसने ज्यादती की है, और अगर इसने की है तो इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुलजिम शातिर निकला, इकरारे जुर्म ही नहीं किया, और ऐसी मासूमियत से कुरान उठाकर कसम खाने को तैयार हो गया कि मैं भी लाजवाब हो गई कि अब ये इसका
और अल्लाह ताला का मामला है। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही एक टीम मेंबर ने आकर मुझे ये बताया कि इसने कैमरे के जाते ही वहाँ मौजूद लड़कों को फखरिया बोला कि देखा कैसे बेवकूफ बनाया, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनना था कि इस बात की इत्तला हम तक हुई और हम दोबारा मुलजिम की तरफ गए और उससे फिर उसी के तरीके से उगलवा ही लिया कि आखिर उसने क्या क्या किया और क्यों किया। सांस आ रही है, मुस्कुराहट भी आ रही है, क्यों नहीं आ रही है सांस? मैंने काम ये ऐसा किया है, वो सांस आ जाएगा। क्या काम किया है? बच्चे के साथ ज्यादती की है। क्या काम किया है? बाकी बच्चे क्लास के कहाँ थे? बाकी बच्चे नहीं थे। क्यों नहीं थे? उनका मेरे ख्याल में वो नहीं थे ना, रिसेस के टाइम था, सब चले गए थे। लेकिन तुमने बच्ची को रोक लिया? बच्ची को रोक लिया। क्या कह के रोका? क्या कह के रोका? क्या कह के? मैंने उससे जरा किया, फिर के क्या करूँगा उसको? उसको बोला क्या कि मैं क्यों रोक रहा हूँ, क्यों दरवाजा बंद कर रहा हूँ? उनको कि मैं आपके साथ बुरा फील कर रहा हूँ, ये बोला तुमने कि कोई किसी को मुझ पे शक नहीं होगा? हाँ, शक नहीं। बच्ची की क्या कंडीशन थी? रो रही थी, बिलख रही थी, क्या थी, क्या कह रही थी? रो रही थी। तुम्हें तब भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी अपनी बेटी भी हो इतनी बड़ी। हाँ तो उसकी शक्ल में वो नजर नहीं आई? हंस रहे हो? अभी क्या फीलिंग आ रही है? गलत किया या अच्छा किया है? गलत किया है। आंसू तो नहीं निकल रहे कहीं से? कौन बचाएगा तुम्हें? किसने तुम्हें कहा था ये कहानियां बनाओ कि मैं कुरान को उठाऊंगा और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है? शर्म नहीं आ रही? इसे ऐसे मैंने बोला था, क्या करे, ऐसा बोलना चाहिए ना? ऐसे ही बोलना चाहिए? किसने सिखाया तुम्हें? कौन है तुम्हारा उस्ताद? आप अपनी सजा बताओ सर, बोलो अगर मुझे कोर्ट में सजा नहीं मिलती तो मेरी ये सजा है। बताओ लोगों को, बताओ अगर मेरी जमानत हो भी जाती है तो मुझे सजा देना, बताओ कौन सी सजा देना? कोर्ट में सजा नहीं मिल जाए चाहिए तो मुझे संसार कर ले रहे। संसार करके मार दे तुम्हें? संसार कर, संसार करे, गांव से बाहर निकाले। गांव से बाहर निकाल दे, संसार करे? संसार का मतलब होता है पत्थर मार के मार देना। चलो ऐसे करे। तैयार हो? तैयार हूँ। डर नहीं है किसी का? डर नहीं है। नहीं है? अल्लाह ताला का भी है। अल्लाह ताला का है। डरते तो तुम बहुत हो, अभी तुम्हें किसी ने कहा कि तुम्हारा लॉकअप खोल के फिर तुम्हें ट्यूनिंग करनी पड़ेगी तुम्हारी, तो तुमने फौरन कबूल कर लिया, तुम्हारे बयानात बदल गए, इतना तो तुम डरते हो और अभी कह रहे हो मैं सजा से नहीं डरता? डरता हूँ क्यों नहीं डरता? डरता हूँ मैं, क्यों नहीं डरता? सजा से हर शख्स डरता है, मैं भी डरता हूँ। ऐसे वाकयात से बचने का सिर्फ एक तरीका है, मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाना और सख्त से सख्त सजा सुनाकर इबरत का निशान बनाना, ताकि कोई भी शख्स ऐसी हौलनाक और शर्मनाक हरकत करने का सोच भी न सके। हवस के पांव तले फूलों को रोंदने वालों, क्या तुम जमीर की चीखों को सुन नहीं सकते? तुम अपनी रूह की पस्ती से कितने गाफिल हो? वो बेटियां जो अभी रूप में है कलियों के, तुम्हारी जात उन्हें किस तरह कुचलती है? तुम अपनी ख्वाहिशों के वो दरिंदे हो जो अपना खून ही पीकर जहां में जिंदा, जिन्हें खुदा से ना मतलब है ना खुदाई से, जिन्हें खुदा से ना मतलब है ना खुदाई से।